तो ये रही पहली बड़ी खबर। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, बागेश्वर वाले बाबा के कार्यक्रम में हुई अफरा तफरी, 10 लोग हुए घायल, 5 लाख लोगों की भीड़ में कई लोग गर्मी और उमस से बेहोश हुए। जी हां, ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में बीते बुधवार को भीड़ ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं गर्मी उमस होने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए, 10 लोग तो घायल भी हुए। बताया गया घटना के समय कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया गया दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची हुई थी, इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ तस्वीरों में वहां का हाल आप देख सकते हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीते 10 जुलाई से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीमद भगवत कथा चल रही है। आपको बता दें ये कथा 16 जुलाई तक चलेगी। देखिए अगली खबर, महिला ने मुस्लिम बस कंडक्टर की उतरवाई टोपी, साथ ही महिला ने कहा अपने धर्म का पालन घर या मस्जिद में करो। जी हां, बेंगलुरु में एक महिला यात्री ने सरकारी बस कंडक्टर की टोपी पहनने पर सवाल उठाया, इसके बाद मुस्लिम बस कंडक्टर को अपनी टोपी उतारनी पड़ी। महिला का कहना था कि अपने धर्म का पालन करना है तो घर या मस्जिद में करो। बात यह है बेंगलुरु में एक बस कंडक्टर ड्यूटी के दौरान टोपी पहने हुआ था, इसी की वजह से महिला ने वर्दी के साथ टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। महिला ने कंडक्टर से पूछा क्या उसे अपनी वर्दी के साथ टोपी पहनने की परमिशन है, कि वो कई सालों से टोपी पहन रहा है और इससे पहले किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इस पर महिला ने कहा उसे अपने धर्म का पालन घर या मस्जिद में करना चाहिए। साथ ही महिला ने ये भी कहा एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान टोपी नहीं पहन सकता। आखिरकार मुस्लिम बस कंडक्टर को अंत में अपनी टोपी उतारनी पड़ी। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले में महिला के साथ हैं या फिर बस कंडक्टर के, अपनी पर्सनल राय के हिसाब से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, बिहार के पटना में पुलिस ने गिरा गिरा कर किसान सलाहकारों को पीटा, अपनी मांग को लेकर ये लोग पटना में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। जी हां, पटना में बीते बुधवार सुबह पुलिस ने किसान सलाहकारों पर लाठी चार्ज कर दिया। बताया गया पुलिस वालों ने सड़क पर गिरा गिरा कर किसान सलाहकारों पर लाठियां बरसाई, इसके बाद सभी को वहां से लाठियां बरसाते हुए खदेड़ दिया। बताया गया किसान सलाहकार विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हुए थे अपनी कई मांगों को लेकर। जानकारी के मुताबिक पहले तो पुलिस ने मना किया, लेकिन जब किसान सलाहकार जबरन आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। देखिए अगली खबर, सेंसर बोर्ड ने OMG 2 मूवी की रिलीजिंग फिलहाल रोकी, फिल्म का पहले रिव्यू किया जाएगा। आदि पुरुष मूवी के विवाद को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। जी हां, सेंसर बोर्ड ने फिल्म OMG 2 की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है, यानी कि रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म का भविष्य तय करेगा। हालांकि अभी फिल्म के लिए बैन शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। जाहिर बात है OMG 2 मूवी एक धार्मिक मूवी है, इसमें अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल निभा रहे हैं, इसी की वजह से मूवी को सर्टिफिकेट देने से पहले इसे काफी सही से देखा जाएगा, जैसा आदि पुरुष मूवी में हुआ था। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि सेंसर बोर्ड ने ये जो फैसला लिया है कि फिल्म को स्पेशल तरीके से चेक करने का, तो आपके हिसाब से सेंसर बोर्ड का ये फैसला सही है या गलत। देखिए अगली खबर, एलन मस्क ने नई कंपनी XAI लॉन्च की, इस कंपनी के जरिए ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने का है लक्ष्य। जी हां, टेस्ला और SpaceX के CEO और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने बीते बुधवार को ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए एक नई AI कंपनी की शुरुआत की है। इस कंपनी का नाम XAI है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक एलन मस्क और उनकी टीम आने वाले शुक्रवार को यानी कि कल ट्विटर पर लाइव आकर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देगी। हालांकि कंपनी की वेबसाइट के अनुसार XAI कंपनी की टीम डीप माइंड, ओपन AI, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और टेस्ला में काम कर चुके हैं। आसान शब्दों में कहें तो XAI कंपनी में जो भी लोग काम करने वाले हैं वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वो इससे पहले कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, काफी बड़े बड़े और डीप माइंड प्रोजेक्ट पर। आसान शब्दों में कहें तो इस कंपनी को लेकर कहा गया है कि एलन मस्क इस कंपनी के जरिए जो ब्रह्मांड है, जो हमारी दुनिया है, जो कायनात है, उसके बारे में AI के जरिए रिसर्च करेंगे और उसकी वास्तविकता को और जो ब्रह्मांड की सच्चाई है उसको और उजागर करेंगे। देखिए अगली खबर, टमाटर सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने की है कोशिश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से खरीद कर दूसरे राज्यों में इसे कम कीमत पे बेचा जाएगा। जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए एक प्लान तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि NAFD और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां टमाटर की कीमत लगातार बढ़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि अभी जिन राज्यों में टमाटर की मात्रा अच्छी खासी है वहाँ से टमाटर को खरीदा जाएगा और जहाँ पे इसकी शॉर्टेज काफी ज्यादा हो गई है वहाँ पे दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उन राज्यों में इन्हें बेचा जाएगा ताकि जो टमाटर की कीमत है वो थोड़ी नीचे आ सके या जितने पे है कम से कम उतने पे रह सके, वो बढ़े नहीं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पे टमाटर के दाम ज्यादा है तो उनमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर ये प्लान काफी अच्छा कामयाब रहा तो ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। टमाटर को लेकर देखिए एक और खबर कि टमाटर के रेट से सुनील शेट्टी भी परेशान है, बोले इन दिनों टमाटर कम खा रहा हूँ, साथ ही कहा एक्टर्स को भी इन सबसे डील करना पड़ता है। देखिए अगली खबर, सुशांत पर बनी फिल्म न्याय अब रिलीज होगी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन वाली याचिका खारिज की,
फिल्म बनाने वालों ने कहा कि इस लड़ने में 60 लाख रुपए खर्च हुए। जी हां, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर 3 साल पहले एक फिल्म न्याय बनी थी। पिछले 2 साल से फिल्म की रिलीज को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। सुशांत के पिता के सिंह ने फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए याचिका डाली थी। हालांकि बीते बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए सुशांत सिंह के पिता की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि फिल्म पर किसी भी तरीके से बैन लगाना सही नहीं है। इस बारे में सुशांत के पिता ने फिल्म के मेकर्स पर यानी कि फिल्म बनाने वालों पर बेटे की प्राइवेसी हर्ट करने का मामला दाखिल किया था। हालांकि अब वो अपना केस हार गए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब जल्द ही नया नाम की मूवी रिलीज होगी जो कि सुशांत सिंह की जिंदगी पर आधारित है। देखिए अगली खबर, एक अच्छी हिंदू बनकर दिखाऊंगी। पाकिस्तान से आई सीमा ने भारत से वादा किया। जी, अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर पड़ोसी देश का जासूस होने के आरोप लग रहे हैं। भारतीय जांच एजेंसियां भी काफी गंभीरता से इसकी जांच कर रही हैं। अब इसी बीच सीमा हैदर ने अपनी सफाई में खुद को निर्दोष करार दिया है। उसका कहना है कि वो कोई जासूस नहीं है, वो सिर्फ एक माँ है, एक पत्नी है और एक लवर है और वो इससे बहुत खुश है। सीमा हैदर ने कहा, भारत के लोगों का शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं यहीं रह सकूं। मैं एक अच्छी भारतीय बनकर दिखाऊंगी। साथ ही सीमा हैदर ने ये भी कहा कि मैं एक अच्छी हिंदू बनकर भी दिखाऊंगी, हिंदुस्तानियों मेरा सपोर्ट करो। वहीं सीमा ने अंत में जय श्री राम और भारत माता की जय शब्दों का इस्तेमाल किया। सीमा हैदर को लेकर एक और खबर आ रही है कि अगर सीमा हैदर अपने देश पाकिस्तान वापस गई तो उसके साथ क्या होगा। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने इसका खुलासा किया है। पाकिस्तानी पत्रकार का इस बारे में कहना है कि अगर सीमा हैदर इंडिया से पाकिस्तान आती है तो उस पर 2 तरह के केस चलेंगे। पहला केस तो चलेगा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक और दूसरा केस चलेगा शरीय कानून के मुताबिक। हालांकि इसी बीच सीमा हैदर ने अपनी जान का खतरा बताया है। उसने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान वापस जाती है तो हिंदू धर्म अपनाने की वजह से और इस्लाम धर्म छोड़ने की वजह से उसका कत्ल कर दिया जाएगा, जो कि इस्लामिक कानून भी है। यानी कि अगर कोई मुसलमान अपने मजहब से हट जाता है समझाने बुझाने के बावजूद भी अगर वो अपने मजहब पे वापस नहीं आता है तो कई इस्लामिक धर्म गुरु ये बताते हैं ऐसे व्यक्ति को शरिया कानून में यानी कि इस्लामिक कानून में कत्ल की सजा दी जाती है अपना धर्म छोड़ने की वजह से। हालांकि जहां पे शरिया कानून लागू नहीं है वहां का मामला अलग होता है। देखिए अगली खबर, बालासोर ट्रेन हादसे में 7 अफसर हुए सस्पेंड। रेलवे ने कहा अगर ये सतर्क होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी, ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में सीबीआई ने बीते बुधवार को 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इनमें गिरफ्तार होने वाले 3 रेल कर्मी भी शामिल है। आपको बता दी ये जानकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने दी है। जब उनसे अफसरों के सस्पेंड होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर ये अधिकारी अच्छे से सतर्क होते यानी कि अपना काम सही से करते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता जो कि ओडिशा के बालासोर में हुआ और 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 293 लोगों की जान गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। देखिए अगली खबर, दिल्ली में यमुना पानी का लेवल 208.5 मीटर पे पहुंचा। केजरीवाल बोले, निचले इलाके खाली करो। वहीं उत्तराखंड समेत कई राज्यों में है भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, हरियाणा से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 208.5 मीटर पे पहुंच गया है। बताया गया सन 1978 में यमुना का हाईएस्ट वाटर लेवल 207.49 मीटर पे पहुंचा था। आसान शब्दों में कहें तो यमुना नदी के जलस्तर ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही बताया गया यमुना का पानी अभी हाल ही में बीते बुधवार शाम को रिंग रोड तक पहुंच गया। वहीं बताया गया आज गुरुवार को यमुना का वाटर लेवल 208.30 मीटर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के चलते बीते 4 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यानी कि भारी बारिश की वजह से जो हादसे हुए हैं उनमें। साथ ही बताया गया दिल्ली में यमुना से सटे जो हिस्से हैं वहाँ पे बाढ़ आ गई है, कई घर डूब गए हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली जैसा बगल वाले राज्य यानी कि हरियाणा का भी हाल है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 10 जिले पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पानीपत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यानी कि इन सभी जगहों पे बाढ़ आ गई है। इसके अलावा भी फरीदाबाद और पलवल में पानी घुस गया है। बाकी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज 13 जुलाई 2023 को देश के किस राज्य में कैसी बारिश होगी। तो मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, बिहार में, सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, साथ ही में पश्चिम बंगाल में, इन सभी जगहों पर आज बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, साथ ही में तमिलनाडु में आज मध्यम बारिश होगी। दोस्तों, आपको बता दें, बाढ़ की वजह से अमेरिका के भी कई हिस्सों की हालत खराब है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि अमेरिकी राज्य वर्मंट में बाढ़ की वजह से जारी हुई इमरजेंसी, 2 दिन में हुई 2 महीने की बारिश, 41,000 करोड़ तक के नुकसान की है आशंका। जी हां, अमेरिकी राज्य वर्मंट में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इसके चलते डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है। इसी की वजह से कई जगहों पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल लोगों को बचाया जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं। देखिए अगली खबर, दिल्ली की गीता कॉलोनी में महिला के टुकड़े मिले। फ्लाईओवर के पास 2 बैग हुए बरामद, एक में सिर था और दूसरे में बाकी अंग। जी हां, दिल्ली की गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर के पास एक महिला के शव के टुकड़े मिले हैं। ये 2 काले बैग में थे, एक बैग में सिर और दूसरे
दूसरे बैग में बाकी अंग थे। पुलिस का कहना है कि कुछ अंग मिसिंग लग रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक मरने वाली की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही बताया गया जो शव मिला है उसके बाल बड़े हैं, इसी की वजह से ऐसा अनुमान है कि ये महिला का शव है। हालांकि पुख्ता जानकारी पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगी। ये भी कहा जा रहा है महिला की उम्र 35 से 40 साल के बीच रही होगी। हालांकि ये भी केवल एक अनुमान है। वहीं बताया गया ड्रोन के जरिए शरीर के बाकी अंग तलाशे जा रहे हैं। देखिए अगली खबर, क्या सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है आर्टिकल 370 का फैसला? आने वाले 2 अगस्त से होगी रेगुलर सुनवाई। जी हां, आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पे देश की सबसे बड़ी अदालत आने वाले 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेगी। ये पूरा मामला 5 जजों की बेंच सुनेगी। दोस्तों इसी बीच कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर और बिल वगैरह पास करवाकर जो आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो क्या देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस फैसले को पलट सकता है या नहीं? तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला आ जाता है तो ये बात बिल्कुल तय है कि फैसला किसी एक ही पक्ष में होगा। सैद्धांतिक तौर पे देखें तो सरकार का फैसला पलटने की क्षमता कोर्ट के पास है। हालांकि असल फैसला क्या होगा ये तो सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा जिस समय फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ये बता दिया गया है कि सैद्धांतिक तौर पर कोर्ट के पास ये क्षमता है कि वो केंद्र सरकार का फैसला पलट सकती है। देखिए अगली खबर, बीते जून के महीने में फुटकर महंगाई 4.81% पे पहुंची। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। बीते मई के महीने में 4.25% पर थी। जी हां, बीते जून के महीने में फुटकर महंगाई यानी कि खुदरा महंगाई दर 4.81% पे पहुंच गई। हालांकि इससे पहले वाले महीने में यानी कि मई के महीने में 25 महीने के निचले स्तर पर 4.25% पर थी। लेकिन मई महीने के मुकाबले जून के महीने में महंगाई बढ़ गई। बताया गया खाने पीने की कई चीजें हैं, खास करके सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। इसी की वजह से खुदरा महंगाई दर में उछाल आया है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। जैसे बताया गया अनाज मई के महीने के मुकाबले में बीते जून के महीने में महंगा हुआ है लगभग 0.6%। ऐसे ही मीट मछली के दामों में भी लगभग 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर वहीं दूध की कीमत को लेकर बताया गया है कि ये मई के महीने के मुकाबले में बीते जून के महीने में लगभग 0.35% सस्ता हुआ है। ऐसे ही जो खाने वाला तेल है उसके दामों में भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। पर वहीं जो फल है उनके दाम में लगभग 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बात आ जाए सब्जी पर तो सब्जी के दामों में लगभग 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है मई के महीने के मुकाबले में। वहीं अगर बात की जाए दालों की तो दाल के दामों में भी लगभग 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे ही मसाले के दामों में भी लगभग 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर वहीं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है यानी कि पेप्सी कोक वगैरह, उनमें बहुत हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही बात की जाए अगर पान तंबाकू की तो पान तंबाकू के दामों में 0.10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बात की जाए कपड़े फुटवियर यानी कि कपड़े जूते चप्पल वगैरह की तो इनके दामों में लगभग 0.35% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए अगली खबर, साउथ दिल्ली के 3BHK घर में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। संसदीय जाने के बाद अप्रैल में सरकारी बंगला छोड़ा था, अभी अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं, लेकिन जल्दी अब वो साउथ दिल्ली के घर में शिफ्ट होंगे। देखिए अगली खबर, अमृतसर में ठेके पर बोतल मांगने पहुंचा थाने का मुंशी, मालिक ने देने से इनकार किया तो धमकी दी। हालांकि दुकान वाला उसका वीडियो बना रहा था, इसी की वजह से अब उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी कि पुलिस वाले पे कार्रवाई की गई है। देखिए अगली खबर, बंगाल पंचायत चुनाव पे हाईकोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ने कहा अंतिम नतीजे हमारे आदेश पर निर्भर होंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतिम नतीजे कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर होंगे। कोर्ट ने राज्य चुनाव विभाग से पूछा है कि आखिर आयोग ने केवल 696 बूथों पे दोबारा मतदान करने की घोषणा क्यों की, क्या इसके लिए कोई जांच की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने हिंसा को लेकर की गई कार्रवाई पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट में नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट अधूरी है और संतोषजनक भी नहीं है, यानी कि रिपोर्ट सही पेश नहीं की गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई जगहों पर काफी हिंसा देखने को मिल रही है, मारपीट वगैरह। साथ ही में जो ईवीएम मशीन है उसके साथ भी छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।